ओके गाइस, सो आई सेल स्ट्रांगली बट आई एम नॉट शेयरिंग विद यू दिस सिग्नल. व्हाई? बिकॉज आई हैव सपोर्ट ऑन 1896.19.60. ओके 1819.60 आई हैव सपोर्ट ऑन सेल एंड स्टिल आई एम नॉट कन्फर्म 100%, बट 70% आई कन्फर्म दिस इज सेल. ओके टीपी आई कन्फर्म 1815.64, बट स्टिल नॉट कन्फर्म दिस सेल. And also I write this message but not send to you. Why? Because still not 100% confirm. Once I confirm 100%, then I send you, but I am not live, and you can see this is maybe once I confirm. So before I confirm, we hit this TP. Okay, 1815.64. So that's why I am not share with you this signal. Okay, guys, मैं क्यों आप लोगों के साथ ये signal share नहीं करता हूँ? Strong cell लगाया है क्योंकि मैंने अभी तक confirm नहीं किया है. जब तक 30 मिनट का एक भी कैंडल 1818.51 के नीचे क्लोज ना हो जाए रेड बॉडी विदाउट टच, तो हम लोग सेफ नहीं है. ये ट्रेड रिटेस्ट कर सकते हैं 1821-19 कोई भी लेवल. लेकिन मेरे पास इधर सपोर्ट है 1819.60, तो उसको ब्रेक नहीं किया तो मैंने सेल कर दिया. 70% ये सेल का सिग्नल है. ठीक है, तो कन्फर्म टीपी मैंने अभी किया है 1815.64. तो देखते हैं मेरा टीपी हिट होता है या एसएल. ओके, लेकिन जब कन्फर्म कर लूँ तो आप लोग के साथ शेयर कर लूँगा. ऑलरेडी मैंने ये मैसेज जो है लिखा है, सेल टीपी 1815.70 कन्फर्म एंड 1811-1808 विद लिटल रिस्क. सो स्कैल्प ट्रेड ऑन सेल एंड होल्ड बाय फॉर 1824 एंड आल्सो ट्राई फॉर 1811-1808 बाय री एंट्री जोन टीपी 1824. Already I read this message but not share with you. Why? Because till not I confirm 100%. Until not 100%, I am never share with you my analysis, guys. Okay, sorry for that. Maybe if you lose, so again blame me before same like you blame me. Okay, so मैंने लिखा है ऑलरेडी कि 1815-70 हमारा कन्फर्म टीपी, 1811-1808 जो है वो बाय जोन है, उधर से फिर सेकंड टीपी वो है. लेकिन उधर से हमारा जो है ये स्काल पे हम सेल पे हैं, लेकिन उधर से हमारा बाय हो सकता है 1811-1808 के सिग्नल तक. 1824 भी कन्फर्म है और 1815 भी 70% कन्फर्म हुआ है. ठीक है, इसलिए मैं शेयर नहीं किया कि अभी तक मैंने इसको 100% नहीं किया कन्फर्म. ओके, तो देखते हैं क्या होता है गाइस. और आप लोग देख सकते हो कि मैं एसएल नहीं लगाता. क्यों नहीं लगाता? कि मैं कंफर्म करता हूँ टीपी को. अगर मैं अभी एसएल भी लगाऊँ तो 1819.60 के ऊपर मेरा एसएल होगा या 1821.80 के ऊपर. तो अगर लाइव होगा तो फिर सेफ ट्रेड कर सकते हो आप लोगों के साथ, लेकिन लाइव नहीं हो इसलिए ये छोटा छोटा सिग्नल जो है स्काल्प का ये मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करता है, क्योंकि मैंने 100% कन्फर्म नहीं किया होता है. ठीक है, मैं एसएल को हिट करना नहीं चाहता है. मैं आफ्टर रिटेस्ट ट्रेड लगाता हूँ. ठीक है, तो अगर इसके नीचे ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया रेड कैंडल तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँगा, अदरवाइज मैं शेयर नहीं करता. ठीक है, क्योंकि मैंने कन्फर्म नहीं किया होता है 100% वो टीपी. तो अभी आप लोग देख सकते हो कि प्लॉटिंग हो रहा है, वो भी सेम लेवल पे. इसको क्रॉस कर ले तो फिर हम लोग 1815 टीपी के लिए रनिंग करेंगे. ओके, देखते हैं क्या होता है. एंड ऑल्सो यू सी गाइस, टू मच लो फिफ्स या टू मच लो पिप्स एसएल एंड टू मच प्रॉफिट यू कैन सी. ओके गाइस, सो प्रॉफिट रनिंग स्टार्ट, सो लेट्स ट्राई वन मोर. And also SL 1820 थोड़े पिप्स के लिए लगाते हैं, पर नो प्रॉब्लम, इट्स ओके. ओके, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर भी कर लिया 1819.80 SL एंड TP 1815.70 विद रिस्क है, लेकिन मैंने शेयर कर लिया क्योंकि फिर SL तो बहुत छोटा है तो शायद मिस ना करो आप लोग इस ट्रेड को. Why I share with you? Because too much little pips SL and TP confirm, so that's why I share with you. Okay, now I share with you. Okay guys, so already also I share with you for more safe make one horizontal line on 1818.51 and wait for 30 minute one candle close below red body without touch this H line
18.51, so put SL 18.19.80 and TP 18.15.65. मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर लिया कि सेफ ट्रेड कैसे करना है। सेफ के लिए वेट करो कि 30 मिनट का एक कैंडल इस हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ 18.51 के लेवल पर 30 मिनट का एक कैंडल, इसके नीचे रेड बॉडी विदाउट टच क्लोज हो गया तो हमारा SL 18.19.80 रखो और TP 18.15.65 रखो। लेकिन बहुत छोटा पिप से तो मेरे ख्याल से आप लोग कुछ मिस करोगे, तो इसलिए मैंने अभी से सेल किया। अभी आप लोगों की मर्जी, वेट करते हो उसकी सेल करने के लिए या अभी से मेरे साथ सेल लगाते हो, तो मैं तो अभी से सेल पे हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग कैसे ट्रेड करते हो, ठीक है। बिकॉज वन कैंडल टच माई हॉरिजॉन्टल लाइन 18.51, सो दिस कैंडल एंटर इन स्कैल्प 30 मिनट, सो दिस 30 मिनट अन स्कैल्प ओनली फ्लोटिंग अंटिल नॉट क्लोज बिलो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, सो वी आर नॉट रन फॉर दिस टीपी। इफ टच दिस टीपी तो डोंट वेट फॉर नेक्स्ट टीपी, अगेन गोइंग अप रिटेस्टमेंट रिटेस्ट ऑन अपसाइड, देन मे बी चांस फॉर 18.11। ओके, सो लेट्स सी गाइस, आई पुट ऑलरेडी सेल एंड आल्सो आल्सो पुट टीपी 18.15.64 बिकॉज आर एस आई शो मी सम सेल पोजिशन ओके ऑन 30 मिनट, एंड आल्सो आई पुट 18.11 टीपी ऑन टू ट्रेड। ओके, अदरवाइज 18.11, सो वी पुट SL ऑन दिस वन 18.20 और 18.20 SL। ओके, अठारह सौ ग्यारह के लिए मैंने जो दो ट्रेड लगाया तो उस पर मैंने SL लगा दिया, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, सो ऑलरेडी आई शेयर विद यू SL 18.19.65 बट फॉर सेफ 18.19.80 फुट SL टीपी नाउ विद लिटिल रिस्क 18.15.65 बट इफ 30 मिनट कैंडल क्लोज लाइक दिस दैट आई से सो कंफर्म टीपी 18.15.65 मींस इफ कैंडल क्लोज 30 मिनट 18.51 रेड बॉडी विदाउट टच क्लोज बिलो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन सो कंफर्म टीपी 18.15.65 नाउ विद लिटिल रिस्क एंड नाउ फ्लोटिंग वाई बिकॉज ऑन माई हॉरिजॉन्टल लाइन सो यू कैन सी प्राइस इज ओनली फ्लोटिंग बट आई एम स्टिल इन प्रॉफिट वाई बिकॉज माई एंट्री इज ऑन टॉप नॉट इन द मिडल सो दिस इज द जोन 18.19 टू 18.18 एंड टीपी 18.15 SL 18.21 टॉप बट आई वुड टू मच नॉट सो 18.19 अप SL गुड फॉर मी। ओके, सो लेट्स सी गाइस व्हाट हैपन। ओके, सो व्हाट आई से, आई से दिस M30 अंटिल नॉट क्लोज, सो रिस्की ट्रेड एंड यू कैन सी M30 ऑन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन सो स्कैल्प एंड सपोर्ट ब्रेक 18.19.65 एंड माय SL हिट ओके $140 एंड नाउ प्राइस इज अगेन गोइंग डाउन सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट पुट इन SL of any trade because once confirmed so sell or buy so with risk so you can see until not close M30 close below this horizontal line until not close red body without touch so scalp not finish and we are not safe on sell and buy both side okay so you can see price only push up and down तो जब तक मैंने बोला कि 1818.51 के नीचे रेड बॉडी विदाउट टच कैंडल क्लोज ना हो जाए ठीक है तो हम सेफ नहीं है सेल पे। तो आप लोग देख सकते हो कि जिस जो भी कैंडल इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होता है तो वो स्कैल्प पे होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि ऊपर नीचे प्राइस हो रहा है और मेरा SL हिट कर दिया इसने 18.60 जो मैंने दो पे लगाया था लॉन्ग के लिए 18.11 के लिए, लेकिन जिस पे मैंने नहीं लगाया था वो मैं भी होल्ड कर रहा हूँ और मैंने इधर या और मैं इधर होल्ड ही कर रहा हूँ इसको जब तक मेरा टीपी हिट ना हो जाए ठीक है। अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि 1818.51 के नीचे जब तक क्लोज ना हो जाए रेड बॉर्ड विदाउट टच तो सेफ नहीं है, लेकिन इधर से बाय करना भी सेफ नहीं है ठीक है। तो प्राइस थोड़ा भी नीचे गिरेगा या ऐसा क्लोजिंग देगा तो मैं होल्ड करूँगा अपने टीपी फर्स्ट टीपी के तक, फिर एक या दो ट्रेड इस टीपी के लिए होल्ड करूँगा जो कि फिर दोबारा टू मच रिस्क होने और इधर सब ट्रेड से निकल जाऊंगा क्योंकि अभी रिस्क का पोजीशन है। अभी तक M30 क्लोज नहीं हुआ रेड बॉडी विदाउट टच डाउन साइड
देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ओके, तो मार्केट ऊपर गया, लेकिन मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जब तक ये इनगल्फ कैंडल, ठीक है, बेरिश इनगल्फ, इसका हाई नहीं तोड़ता है प्राइस M30 कैंडल पे, तो हम ऊपर नहीं जा सकते। और इधर डोमिनियम भी है, ये डोमिनियन है 1818 और 1821 के सेंटर में। जैसे मैंने बोला, वीक हमारा सपोर्ट है 1819.60 और स्ट्रांग है 1821.80, ठीक है। तो जब तक इसको ब्रेक ना करे प्राइस ऊपर नहीं जा सकते। और 1824 हमारे पास कन्फर्म TP है बाय का, लेकिन उससे पहले सेल में हो सकता है। मैंने बोला कि 1818.51 के नीचे अगर रेड बॉडी विदाउट टच M30 का कैंडल क्लोज होता है तो हमारा सेफ्टी भी 1815 होगा, लेकिन वो क्लोज नहीं हुआ। ग्रीन इसके ऊपर जब था तो स्काल्प पे था, ऊपर नीचे था, ये एक ग्रीन क्लोज होता है, एक रेड क्लोज हो गया, ठीक है। लेकिन ये अभी ग्रीन गया, क्यों? क्योंकि NY सीजन ओपन होने वाला है, ठीक है। और दूसरा, इधर यह स्ट्रांग सपोर्ट है, इसको तोड़ेगा नहीं तो 1824 को हम लोग नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो वो कन्फर्म TP है लॉन्ग पे H4 पे, तो हमने एक गलती किया क्योंकि H4 के कैंडल के क्लोज होने का टाइम है, तो वो ग्रीन क्लोज होगा, तो शायद 1824 को टच भी कर ले। अगर नहीं किया भी तो बाद में जब गिरेगा मार्केट तो उसके बाद टच कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई से गाइस, अंटिल दिस इनगल्फ कैंडल, बेरिश इनगल्फ कैंडल, हाई नॉट ब्रेक गोल्ड 1821.80, सो वी आर नॉट गोइंग मोर अप, बट वी हैव वन मिस्टेक, वी हैव वन मिस्टेक बिकॉज वी आर स्टक इन H4 ट्रेड, H4 कैंडल, एंड वी हैव TP ऑन H4 1824, सो वी आर नॉट फोकस ऑन दैट H4, सो यू कैन सी H4 क्लोजिंग टाइम, मे बी वी रीच दैट TP 1824, देन फॉल, ओके। बट वी हैव आल एंड वट आई से आल्सो आई से 1818.51 अंटिल M30 कैंडल नॉट क्लोज बिलो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, सो वी आर नॉट सेफ फॉर द TP 1815 एंड स्टिल नॉट क्लोज, यू कैन सी। बट विद रिस्क आई से 1819.65 आर 80 फुट SL एंड प्रॉफिट TP 1815.65, ओके। सो यू कैन सी इट्स नॉट क्लोज लाइक दैट, दैट आई से दैट्स वाई आई एम नॉट शेयर विद यू 100% श्योर, देन आई शेयर विद यू my analysis. So you can see retest going off, so maybe after hit 1820.96 area or this engulf, retest this M30 engulf and fall for the TP 1815, okay. But still not confirm this TP, only H4 TP 1824 confirm, but from where we go I don't know, but we have support on 1815 in 1811, 9 and 8, okay. And we have also retest on M30 200 EMA remaining, okay. So that's why we have some sell, not going further up. But H4 candle on buy, so you can see price is falling, flying. Why price is fly? Because 1824 on H4 confirm, and now time H4 close time, not M30 chart, okay. So maybe after hit 1824 we are fall again. So I am still holding. And we put some sell strong on 1824 now. Sell limit 1824. TP 1815.65. But we put 75 for sale. सेल लिमिट 1824 पे हमने सेल लिमिट लगा दिया क्योंकि H4 का कैंडल उसको टच कर सकता है, क्योंकि H4 पे ये ट्रेड बाय का है, सेल का नहीं है। 1824 एंड 1815.75, ओके। सो लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, सो ऑलरेडी आई मैसेज विद यू पर सेफ सेल, वेट फॉर M30 क्लोज बिलो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, बट आई पुट सेल। वाई आई पुट सेल? बिकॉज आई ट्रेड विद रिस्क, बिकॉज हेयर वी हैव वन सपोर्ट इन 1824 कन्फर्म पाल फ्रॉम देयर, ओके। बट फ्रॉम हेयर वी हैव आल्सो सम चांस फॉर 1815 TP, ओके। सो दैट्स वाई आई पुट SL। वाई? बिकॉज इफ यू सी, सो M5 स्ट्रांगली अनसेल, M1 स्ट्रांगली अनसेल, M15
वी हैव डाइवर्जन ऑन सेल, सो दैट्स मीन रिटेस्ट 1821 देन फॉल और 1824 देन फॉल। ओके गाइज, मैंने आप लोगों को सेफ एंट्री के लिए अभी तक नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि अभी तक M30 का कैंडल इसके नीचे विदाउट टच रेड बॉडी क्लोज नहीं हुआ है, तो हमारा टीपी यह सेफ नहीं है, लेकिन रिटेस्ट हो सकता है। तो रिटेस्ट का लेवल 1819.60 मैंने बताया था, वो ब्रेक कर दिया, हिट हो गया, मेरा SL जो दो ऑर्डर थे उस पर हिट हो गए, लेकिन स्टिल मैं बाकी ऑर्डर को होल्ड कर रहा हूँ। और H4 का कैंडल बाय पे क्लोज हो सकता है, लेकिन 1824 के लिए इधर से बाय करना अच्छा नहीं है, ठीक है। ओनली सेल हम होल्ड कर सकते हैं अपनी टीपी 1811, 1809, 1808 तक या 1815 फर्स्ट टीपी, ओके इधर तक। तो इसलिए मैं सेल कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग देख सकते हैं M1 पे, M5 पे और M15 पे स्टैचिस्टिक सेल पे है, और आल्सो RSI डाइवर्जन सेल है M15 पे भी। तो M15 पे हमारे साथ ये टीपी हिट हो सकती है 1815.64, ओके। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इधर से और एक सेल लगा रहा हूँ, सेल लिमिट 21.80 है, तो मैं 75 कर लूँगा, और अपना टीपी जो है 1815.75 है, 65 पे वो भी 75 कर दिया, ठीक है। ये हमारा टीपी है, देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, सो यू कैन सी पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। मैंने सब्र रखा, तो आप लोगों ने देखा कि वह प्राइस ऊपर गया, तो मैंने बोला था कि 1821.80 स्ट्रांग सपोर्ट है 1815 की टीपी के लिए, तो वो अभी तक कंफर्म नहीं है, अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं रिस्क के साथ होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक M30 का एक कैंडल इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे क्लोज नहीं हुआ है विदाउट टच, ठीक है। अगर इसके नीचे विदाउट टच क्लोज हो गया तो हमारा टीपी कंफर्म हो जाएगा 1815.64। अभी तक ये M30 स्काल पे है, ठीक है, जब तक इसको टच करे कैंडल तो वो स्काल पे होता है। तो जब सेफ टीपी होता है या सेफ सिग्नल मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन मैंने रिस्क के साथ आप लोग पहले ये लेवल बोला, ठीक है, तो उसको ब्रेक कर लिया, प्राइस ऊपर गया, और जब रिटेस्ट कर लिया तो इसको ब्रेक नहीं किया और मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो मैं तो अभी भी रिस्क के साथ ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक इसने M30 का एक भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। जब क्लोज हो जाए विदाउट टच तो हमारा टीपी कन्फर्म यह हिट करेगा, मैं आप लोग को दिखा दूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए थोड़ा रिस्की ट्रेड है, सेफ नहीं है, तो होल्ड करते हैं। स्टिल नॉट क्लोज गाइस बिलो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन विदाउट टच 30 मिनट वन कैंडल इफ क्लोज, सो वी आर सेफ, दैट्स वाई आई एम नॉट शेयर विद यू दिस सिग्नल, बट व्हाट आई से बिफोर आई से वी हैव वन चांस फॉर टीपी 1815 40% ऑन सेल, ओके, एंड इन द टॉप आल्सो SL 1819.60 वीक सपोर्ट एंड स्ट्रांग सपोर्ट दिस वन, सो यू कैन सी प्राइस गोइंग अप, हिट माई SL 1819.60 वीक सपोर्ट and now again down, so until not close M30 close below this horizontal line we are not safe on this sell, that's why I'm not sharing with you this signal, okay, so once close so then we see, otherwise every candle M30 touch this horizontal line, so we are entering scalp, okay, so let's see guys, this is low fifth signal, so my second TP 1811, so I put on this one 1811 TP 1811, okay, and SL 1822, okay, output for safe 1812 then out, okay, and the next one only 1815.64 all out, okay. तो एक पे मैंने एक को मैंने होल्ड कर लिया 1812 के लिए सेफ के लिए, ठीक है, विद रिस्क के साथ, और अभी रिस्क के साथ होल्ड कर रहा हूँ 1815 को, जब इसके नीचे M15 या M30 का एक कैंडल क्लोज हो जाए विदाउट टच रेड बॉडी तो हमारा टीपी कन्फर्म हो जाएगा 1865.64, लेकिन मैंने रिस्क के साथ जब ऊपर गया तो दोबारा सेल कर दिया, ठीक है। तो अभी होल्ड करते हैं क्या होता है, देखते हैं। ओके गाइस, सो आल्सो आई शेयर विद यू दैट लाइन पर से 1815, ओके, एंड आल्सो आई से यू वांट बाय 1808 1811 टू 188 वी हैव चांस आर नाउ 1815 वी हैव चांस फॉर बाय, सो कन्फर्म टीपी 1824 अन बाय, बट वी हैव सम रिटेस्ट 1815 और 1808 और 11 टच देन बाय, सो ऑलरेडी आई पुट बाय लिमिट ऑन दैट लेवल, यू कैन सी, ओके, ऑलरेडी आई पुट बाय लिमिट ऑन दैट लेवल, स्ट्रांग बाय लिमिट ऑन BTC आल्सो एंड गोल्ड आल्सो, ओके, यू कैन सी, एंड आल्सो सेल फ्रॉम हियर, ओके, लेट्स सी। ओके, तो जो बंदे इसके साथ सेल करना चाहते हैं तो मैंने उन लोगों के लिए ऑलरेडी ये बेच दिया, ठीक है, आप लोग इसको देख के लगा सकते हो मेरे साथ रिस्क ट्रेड, लेकिन अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो वेट करो जब कैंडल ऐसे क्लोज हो जाए जैसा मैं बोल रहा हूँ 1818.51 के नीचे,
लेवल के नीचे विदाउट टच रेड बॉडी ओके, तो हमारा टीपी कन्फर्म होगा 1815 या 65, लेकिन मिडल में बाय करना मुश्किल है ठीक है। अगर आप लोग को बाय करना है तो 1815 पे फर्स्ट चांस है और सेकंड चांस 1811 से 1818 है, उधर से बाय करो कन्फर्म टीपी 1824 है ठीक है। बाय पे हमारा कन्फर्म टीपी 1824 है और सेल पे जो टीपी है वो अभी तक कन्फर्म नहीं है, लेकिन 1815 फर्स्ट हो सकता है, 1808 सेकंड हो सकता है। ओके गाइस, सो मे बी ऑन दिस कैंडल वी रीच ओवर टीपी बिकॉज दिस कैंडल ओपन विदाउट टच 18.51 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये कैंडल हमारा टीपी को हिट कर सकते हैं क्योंकि 1818.51 के हॉरिजॉन्टल लाइन को इसने टच नहीं किया है और नीचे गिर रहा है, तो अगर उसको टच कर दिया तो फिर स्कैल्प में ट्रेड पहुंच जाएगा, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारा कन्फर्म टीपी तभी ये सेफ होगा जब ये M15 का कैंडल सेफ रेड बॉडी विदाउट टच नीचे क्लोज हो जाए ठीक है। Yeah, so what I say this guy 92 okay, but we have strong support and also 1811 to 188 zone, so 1824 I confirm before if you unbuy, but retest down, so maybe 1815 or 1811 188 then go up or 92 last then go up for that TF okay, so be careful and too much sell because we have TF confirm 1824 and buy also, so let's see guys we took profit both side or not okay। जब ये M15 का कैंडल क्लोज हो जाएगा तो मेरे को कंफर्मेशन मिल जाएगा बाय का सेल का सॉरी कंफर्म टीपी के लिए 1815.64 के लिए, तब तक के लिए हम देखते हैं क्या होता है ठीक है। अभी 4 मिनट बाकी और ये कैंडल अभी तक तो रेड है, बेरिश है और उस लाइन को टच भी नहीं किया, तो हमारे पास चांस है 1815.64 टीपी का। ओके सो यू कैन सी नाउ 3 मिनट रिमेनिंग एंड दिस कैंडल आल्सो ऑन माय प्रॉफिट साइड, सो लेट्स सी गाइस इफ क्लोज रेड बॉडी नॉट टच दैट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड गोइंग अप, सो अगेन आई पुट री एंट्री सेल ऑन 1818 1819 एंड 1821 और 1824 लास्ट ओके। तो अभी तो कैंडल मेरी तरफ है मतलब सेल की तरफ है, लेकिन देखते हैं कि अगर ये कैंडल ऊपर जाता है और नीचे आता है और 1815 को टच करके बगैर ऊपर जाता है और रेड बॉडी क्लोज हुआ 1818 के नीचे और फिर ऊपर जाता है, तो अगर 1818 के नीचे ये कैंडल रेड बॉडी विदाउट टच क्लोज हो गया और फिर मार्केट ऊपर जाता है तो मैं 1819 और 1821 पे री एंट्री सेल कर सकता हूँ ठीक है, लेकिन टीपी कन्फर्म है 1815.64 ओके। जब तक हिट ना करे फिर तो मैं सिर्फ री एंट्री सेल करूँगा ठीक है, और कन्फर्म टीपी 1824 है हमारा बाय पे, लेकिन उसके लिए हमको री एंट्री बाय करना है 1815 पे पास चांस है, लेकिन वो सेफ नहीं है क्योंकि हमारे पास सपोर्ट जो है वो 1811 से लेकर 1808 के लेवल पे है ठीक है, स्ट्रांग सपोर्ट बाय के लिए। तो देखते हैं या तो उससे पहले ये कैंडल क्लोज होने तक मेरा टीपी हिट हो जाएगा 1815 या बाद में हिट हो जाएगा, लेकिन मैंने कन्फर्म तभी होता है मेरा टीपी जब मैं कन्फर्म करता हूँ तभी मैं सेल करता हूँ, लेकिन ये ट्रेड मैंने रिस्क के साथ लिया था, तो इसके नीचे क्लोज हो गया तो टीपी या तो कन्फर्म है सेकंड के लिए, बाद में देखते हैं क्या होता है ठीक है। तो अभी 1 मिनट बाकी है और टीपी के लिए कैंडल रश कर रही है डाउन की तरफ, तो देखते हैं उससे पहले भी हिट हो सकते हैं, इसलिए मैं गाइज आप लोगों को बोलता हूँ कि जब हम लाइव होंगे तो मैं आप लोगों के साथ ये एनालिसिस शेयर कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं अभी आप लोगों के लिए सेफ ट्रेड ढूंढूंगा, तो जब तक ये कैंडल क्लोज होता ही नीचे तो आप लोग देख सकते हो तो हमारा टीपी हिट कर लेगा, तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि फिर हम लोगों को दोबारा रिटेस्ट के बाद एंट्री करना है, उसके लिए हमको वेट करना पड़ता है ठीक है। तो देखते हैं गाइज क्या होता है, ओके 1 मिनट मोर, सो वंस डाउन सो मे बी रीच ओवर टीपी बिफोर रिटेस्ट बिकॉज रिटेस्ट कंप्लीटेड ऑलरेडी एंड दैट्स व्हाई आई गाइज आई से वंस वी मेक लाइव सो आई कैन शेयर विद यू माई एनालिसिस एंड आल्सो लाइक दिस लो प्रॉफिट ट्रेड 1824 टीपी कन्फर्म अन बाय बट वी नीड एंट्री ऑन 1811 टू 188 जोन बट नाउ आई कन्फर्म टीपी 1815 ऑन दिस 15 मिनट चार्ट, सो दैट्स वाई बिफोर आई ट्रेड विद रिस्क बट नाउ इट्स क्लोज रेड बॉडी सो अवर टीपी 1815.64 कन्फर्म नाउ ओके 65 कन्फर्म नाउ बट आई पुट 75 फॉर मोर सेफ, लेट्स सी गाइस। And also you can see maybe more down, why? Because RSI and stochastic strong on sell and 30 minute also
30 मिनट डाइवर्जन टू सेल में भी अगेन गोइंग लिटल अप आफ्टर दिस टीपी हिट ओके बट अन एच वन हावर्स वी हैव स्ट्रांग सेल सो मे बी 18:18 आर 18:11 देन गो अप ओके बट 18:08 वी हैव सम बेटर चॉइस फॉर बाय देन 18:24 आवर टीपी कन्फर्म सो ऑल्सो आई पुट बाय लिमिट ऑन 18:09, 18:11 एंड 18:08 विदाउट एस एल 18:24 आई कन्फर्म ऑन बाय सो दैट्स वाई आई एम नॉट पुट एन एस एल सेम लाइक दिस पेशेंट ई ऑफ सक्सेस गाइज तो 1824 मैंने कन्फर्म किया बाय पे लेकिन उसके लिए हमको नीचे डाउन की तरफ अभी तो जो कन्फर्म टीपी था तो वही था और बाद में हम लोग मैंने उस पर बाय लिमिट लगाया 18:09 पे 1812 पे 1809 पे और 1811 पे ठीक है 1808 तक हो सकता है तो हम ये 12 को 1808 कर लेंगे ठीक है और विदाउट इसलिए लगाया कि मैंने 24 का जो टीपी है वो भी कन्फर्म किया लेकिन रिटेस्ट नीचे हो सकता है तो रिटेस्ट के बाद वो 1824 को हिट करेगा ठीक है वॉट इज़ दिस टीपी हिट एंड नॉट क्लोज कैन यू सी दिस वाई आई से ऑक्टापेक्स टू मच ब्लडी शीट पीपल आप लोगों ने देखा कि मेरा टीपी जो था वो ट्रेंड लाइन हिट हो गया टीपी हिट हो गया लेकिन ट्रेड क्लोज नहीं हुआ ऑक्टापेक्स का यही नुकसान है ठीक है गाइस इसलिए एक्सएम ज़्यादा बेटर है इससे ठीक है तो हम मैनुअली इसको क्लोज कर लेंगे ये ऑक्टापेक्स वालों का कमाल है ठीक है ऑक्टापेक्स चीटर ब्रोकर एक्सएम इज बेस्ट गाइस ओके गाइस सो यू कैन सी माय टीपी हिट बट नॉट क्लोज सो आई क्लोज मैनुअली ओके गाइस मीट यू अगेन नेक्स्ट ट्रेड इफ यू वॉच share with your friend guys this trade and also like and subscribe channel okay once we reach 1k so we can make live for you guys and we can make too much profit but we have chance for 18:08 because 200 EMA need retest for the upside okay bye guys